हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया था और उसके अंदर डाल दिया था मेथी, जो दाना मेथी होती है वो डाल दी, और उसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा जीरा, और यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्च को काट के ऐसे डाल दिया है, और एक चम्मच अभी इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। और अभी इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर, डालते ही ये जो कटे हुए पीसेस हैं कद्दू के वो डाल देंगे पूरे के पूरे। तो यहाँ ये सब्जी बहुत टेस्टी लगेगी बनने के बाद में, देखिएगा। इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इनको थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये सब्जी, कितनी अच्छी दिख रही है। यहाँ पर देखिए मैंने एक नींबू लिया है और इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड राउंड कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट होता है नींबू, तो इसको काट के रख लेते हैं क्योंकि हमें इस सब्जी में चाहिए होगा। तो इसको कट कर लेती हूँ। तो जी, नींबू को मैंने ऐसे काट के रख लिया और बीज निकाल के रख दिए हैं, और हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा इसमें, हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी के अंदर। और दाना मेथी का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ये खट्टी मीठी सब्जी बनाएंगे भंडारे वाली, तो बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी। अगर आप पूरी पराठे किसी के साथ भी खाओगे तो बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए यहाँ पर मैं एक मिनट हो चुका है इसको भूनते हुए, और इसको अगर सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने सरसों के तेल में ही बनाई ये सब्जी, और इसको दो तीन मिनट ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि ये फ्राई हो जाए और सिक जाए अच्छे से तेल के अंदर। तो तेल में सिकेगा तो इसका टेस्ट उभर के आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो दो मिनट के करीब हो गए हैं, और अभी इसको भूनते हुए एक दो मिनट और पकाएंगे इसको ऐसे ही, फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे और ढक के पकाएंगे। तो जो बीच बीच में इसको ऐसे चलाते रहें ताकि ये चिपके नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो सब्जी बनते बनते आप सब्जी भी बना सकते हो, दूसरा काम भी कर सकते हो, यानी कि हम लोग रोटियाँ भी सेक रहे इधर। तो इसको फ्राई होते थोड़ा सा टाइम लगता है, खूब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वैसे गल जाती है पानी डालने से तो जल्दी गल जाती है, पर इसको हम सूखी रखेंगे, इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, तो ऐसे ही अच्छी लगेगी ये सब्जी सूखी सूखी। तो खट्टी मीठी ये सब्जी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। तो जी, अभी इसके अंदर डालेंगे मसाले, क्योंकि अभी थोड़ा 50% तक ये पक चुके हैं, कद्दू पक चुका है, तो अभी इसके अंदर मसाले डाल देंगे। तो मसालों में दो चम्मच भर भर के इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, और एक चम्मच इसमें डालेंगे नमक, एक चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्ची का पाउडर, और हल्दी हमने पहले डाल दी थी, थोड़ी सी वो डाल देते हैं ऐसे। तो धनिया इसमें अच्छे से डालिएगा, मतलब तीन चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है धनिया, और अभी इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। ये देखिए इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि दाना मेथी की खुशबू बहुत अच्छी आती है वैसे भी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये मिक्स हो चुका है, अभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा किनारों से पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ऐसे ही हल्का पानी इसमें स्प्रेड कर देंगे मतलब, और इसको ढक देंगे ऐसे ही, छेड़ेंगे नहीं, बस ढक देंगे, इसको ढक के पका लेंगे। तो गैस की फ्लेम को मैंने फुल रखा है यहाँ पर, यहाँ पर हमारा मसाला जले नहीं, इसके लिए थोड़ा सा पानी ऊपर से ऐड कर देंगे थाली के ऊपर, तो इससे सब्जी भी पक जाएगी भाप से और सब्जी जलेगी भी नहीं। तो अभी मैंने ढक्कन हटा लिया है सब्जी का, और यहाँ पर देखिए सब्जी को थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा काट के देखते हैं, पीसेस कटने लग जाए तो ये आधा पक चुका है, अभी थोड़ी सी कसर और है पकने में। तो एक मिनट के करीब और ढक के इसको पकाएंगे। तो जी, अभी दो मिनट के करीब पका लिया है, और अभी गैस की सिम को एकदम, गैस की फ्लेम को एकदम सिम कर देंगे, और इसको एक मिनट और पकाएंगे, उसके बाद में चीनी ऐड करेंगे। तो इसको चेक कर लेते हैं सब्जी को, और ये सब्जी हमारी 80% तक पक चुकी है,
इसको ऐसे करके थोड़ा सा काट के देख लेते हैं। तो ये पक गई है, अभी इसके अंदर डालेंगे, ये मोटी चीनी है तो इसके अंदर एक ढक्कन ये देखिए, यानी कि दो बड़े चम्मच, एक बड़ा चम्मच मैंने चीनी ऐड कर दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अभी इसके अंदर डालेंगे नींबू। तो इसमें नींबू डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि सब्जी हमारी बन चुकी है तो इसमें नींबू ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये सब्जी हमारी खट्टी मीठी एकदम चटपटी सी बनकर तैयार है बिल्कुल। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो यहाँ देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। तो ये कद्दू की सब्जी ऐसे इस तरह से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी, और एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरह से बना के। तो ये भंडारे वाली सब्जी बनके तैयार है हमारी, और पूरी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हैव ए नाइस डे।